प्रायोरिटी के लिस्ट पर रखकर केंद्र सरकार चला रही है। 129 योजनाओं का सूची आपको पार्टी कार्यालय द्वारा दिया जाएगा और लगभग लगभग 1300 करोड़ रुपए का और प्रोजेक्ट भी हमने देने का काम किया है। आने वाले दिनों में पूरा देश 19 में केंद्र सरकार के लिए आम चुनाव में जाने की तैयारी कर रहा है। मई में अप्रैल में चुनाव होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने ये 5 साल के अंदर अपना विकास, अपनी पहुंच और अपनी विचारधारा का एक्सपांशन पूरे देश में करने में सफलता मिली। मोदी जी के नेतृत्व में जब हमारी सरकार बनी तब देश में 6 सरकारें थी, आज हमारी 16 सरकारें हैं। भारतीय जनता पार्टी 9 करोड़ कार्यकर्ताओं की फौज के साथ विश्वास के साथ चुनाव के मैदान में उतरने जा रही है और हम सबको भरोसा है कि आज से भी अधिक बहुमत के साथ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सामने महागठबंधन की बात हो रही है। महागठबंधन एक ढकोसला है, ना नेता है, ना नीति है, ना सिद्धांत है, ना कार्य योजना है। सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ के कारण सत्ता प्राप्त करने के लिए अपने अपने सिद्धांतों को किनारे रखकर सभी दल इकट्ठा हुए हैं। उनका नेता भी तय नहीं। यहां तय है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सभी साथी संगठित होकर चुनाव में जाएंगे और नॉर्थ ईस्ट के लिए जिस प्रकार से मोदी जी ने विकास का एक ड्राइव उठाया है, संवेदनशीलता के साथ साथ प्रायोरिटी अग्रिमता भी दी है और संवेदनशीलता के साथ सवालों को, प्रश्नों को हल करने की तत्परता भी दिखाई। इसके कारण नॉर्थ ईस्ट में आज 8ों की 8ों सरकारें कांग्रेस के हाथ से चली गई है और नेडा के गठबंधन के पास 8ों सरकारें हैं। नॉर्थ ईस्ट में हम 21 से ज्यादा सीट जीतने का विश्वास रखते हैं। पूरे नॉर्थ ईस्ट से मोदी जी के समर्थन में एक वेव दिखाई पड़ता है, त्रिपुरा में भी दिखाई पड़ता है। कांग्रेस के नेता जिन्होंने 10 साल तक 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले, भ्रष्टाचार किए, देश को अव्यवस्था में झोंका, विश्व में देश के सम्मान को नीचे लाया, देश की सुरक्षा को पर सवाल या निशान लगे, वो आज एक बार फिर से गठबंधन का मोहरा पहनकर जनता के सामने आए हैं। आज गठबंधन के नेता अभी से बोलते हैं कि हमें देश में मजबूत सरकार नहीं चाहिए, मजबूर सरकार चाहिए। कांग्रेस के नेतृत्व के गठबंधन को मजबूर सरकार चाहिए, देश की जनता को मजबूत सरकार चाहिए। मजबूत सरकार गठबंधन दे नहीं सकता, मजबूत सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए दे सकता है। देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गठबंधन का नेता, ये दोनों में से एक का चुनाव करना है। गठबंधन की मजबूत सरकार चाहिए या भारतीय जनता पार्टी एनडीए की मजबूत सरकार चाहिए, इसका चुनाव करना है। मैं देश भर का दौरा करता हूं, लोगों की आंखों में विश्वास झलक कर दिखाई पड़ता है कि देश चट्टान की तरह प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है और मोदी जी को अगले चुनाव से भी ज्यादा बहुमत के साथ इस बार देश की जनता चुनने के लिए तत्पर बैठी है। त्रिपुरा की भी 2 सीटें हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को विश्वास है इस बार त्रिपुरा की 2 सीटों पर कमल खिलेगा और त्रिपुरा का प्रतिनिधित्व देश की संसद में भारतीय जनता पार्टी के लोग करेंगे, इसका हमें विश्वास है। मैं फिर एक बार आज के सफल और भव्य सम्मेलन के लिए त्रिपुरा यूनिट की पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं और त्रिपुरा की जनता का ये चलो पलटाई के नारे को उन्होंने स्वीकार कर लिया। आज 1 साल लगभग हुआ है, हमने काफी कुछ करने का प्रयास किया है, जितने वादे किए हैं वो सारे वादे विप्लव के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरा करेगी, इसका मुझे भरोसा है। इतना कहकर मेरी बात समाप्त कर। So,
जी मैं देश के हर राज्य में जाने वाला हूं, नॉर्थ ईस्ट में तो कंपलसरी जाऊंगा। माइक ले लो। 2019 चुनाव भारतीय जनता पार्टी किस मुद्दे के आधार पर लड़ने जा रही है? देखिए, हमने देश की डेमोक्रेसी में एक गुणात्मक परिवर्तन लाया है। जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण तीनों को हमने समाप्त किया है। देश के विकास की अवधारणा को हमने बदला है। हमने सर्वस्पर्शीय विकास की कल्पना रखी है जिसमें सबके लिए विकास है। ट्राइबल के लिए भी है, दलित के लिए भी, गांव के लिए भी, शहर के लिए भी, कृषि के लिए, उद्योग के लिए, एक सर्वस्पर्शीय विकास की हमने कल्पना रखी है। हमने देश की सुरक्षा को प्रायोरिटी में रखा है। हम सबसे शांति चाहते हैं मगर देश की सुरक्षा के खतरे में डालकर शांति नहीं चाहते हैं। इसको हमने 5 साल में प्रस्थापित किया है और देश के गौरव को दुनिया में बढ़ाने का काम किया है। आज भारतीय पासपोर्ट का सम्मान पूरी दुनिया में हो रहा है और सबसे बड़ी बात है कि हमने इस 5 साल के अंदर देश के अर्थतंत्र को पटरी पर लाने का काम किया है। सारे पैरामीटर्स फाइनेंशियल डिसिप्लिन के 4 कॉर्नर में है और सबसे तेज गति से बढ़ने वाला अर्थतंत्र भारत है। यूपीए तालिका में 9वें नंबर पर भारत के अर्थतंत्र को छोड़कर गया था, हमने 4 साल में 6ठे नंबर पर लाया है। काउंटिंग के पहले 5वां नंबर पर आएगा, इसका मुझे विश्वास है। देखिए, ज्यादातर वादों को हमने एड्रेस किया है, जैसे किसानों को 1.5 गुना समर्थन मूल्य देना, कांग्रेस सरकार 10 साल में नहीं दे पाई। गरीबों को 5 लाख तक की सारी स्वास्थ्य सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट करना, कांग्रेस सरकार 70 साल तक नहीं कर पाई। 6 करोड़ गैस गरीबों के घर में पहुंचाना, कांग्रेस 70 साल तक नहीं कर पाई। 2.5 करोड़ गरीबों के घर में बिजली पहुंचाना, हमने काम समाप्त कर दिया है। देश में एक भी गांव ऐसा नहीं है जहां बिजली नहीं पहुंची, ये काम हमने समाप्त कर दिया है। 8 करोड़ लोगों के घरों में शौचालय पहुंचाने का काम हमने समाप्त कर दिया है। विकास का दर हमने कांग्रेस से 2 गुना करने का काम किया है। मैं मानता हूं कांग्रेस के आरोपों के से भ्रमित होने का समय देश की जनता का अब समाप्त हो चुका है। देश की जनता तक विकास पहुंचा है, 22 करोड़ परिवारों तक मोदी जी की कोई ना कोई योजना पहुंची है, इसका स्पष्ट असर देश की जनता में दिखाई पड़ता है। मेरा आप सबसे आग्रह है कि कल निर्मला सीतारमण का जो जवाब था देश की रक्षा मंत्री जी का, उसको आप सबने जरूर देखना चाहिए एज अ जर्नलिस्ट। इसमें सारे सवालों के जवाब है और कुछ सवाल भी खड़े किए इसमें सारे से, एक पाई का घोटाला नहीं, ये बिल्कुल भ्रम फैलाया। और मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस अध्यक्ष को, आपके पास इतनी सारी सूचनाएं थी, सुप्रीम कोर्ट के सामने आप क्यों नहीं गए? सुप्रीम कोर्ट को असिस्ट क्यों नहीं किया? सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस की बी टीम को भी सुना है। बी टीम को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्राइसिंग, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और देश की सुरक्षा तीनों में कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई जांच की जरूरत नहीं। और अब भी बहस चालू रखना, मैं मानता हूं कल निर्मला जी ने उनके सारे सवालों का डिटेल जवाब दिया है। आप सभी को मेरा निवेदन है, यूट्यूब पर अवेलेबल है, आपको जरूर देखना चाहिए जिससे आप सच्ची बात जनता के सामने रख सकें। देखिए, राम मंदिर के मुद्दे का जब तक सवाल है, कांग्रेस नहीं चाहती कि केस जल्दी चले। जब भी केस आता है कांग्रेस के नेता जो कोई ना कोई पार्टी के वकील बनकर आते हैं, डेट डालने के लिए दबाव बनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में स्पष्ट है कि हम चाहते हैं वहां भव्य राम मंदिर बने और कानून के दायरे में, संविधान के दायरे में राम मंदिर बनना चाहिए और दोनों बातों पर भारतीय जनता पार्टी अड़ी है। आप शायद ढंग से नहीं देखे, मैंने बात नहीं करी, किसी ने पूछा इसलिए जवाब दिया।
मैंने डेवलपमेंट की ही बात करी है, मगर राम मंदिर के लिए भी हम प्रतिबद्ध हैं। ऑफकोर्स डेवलपमेंट, डिफेंस और देश का गौरव। अभी कोई फाइनल बात नहीं हुए, त्रिपुरा यूनिट इनसे चर्चा कर हम सर्वसम्मति से करेंगे और आईटीबीपी के साथ ही हम चुनाव लड़ेंगे। अभी मैनिफेस्टो में आज ही मैंने एक कमेटी की घोषणा की है, श्री राजनाथ सिंह जी के अध्यक्षता में मैनिफेस्टो कमेटी बनी है, वो हर राज्य की विजिट करेगी और जनता के बीच में भी जाएगी, राज्य के सारे सुझावों को अभिप्रायों को कंसीडर कर हमारा मैनिफेस्टो की घोषणा होगी। इस सवाल का जवाब देने के लिए थोड़ा समय मुझे चाहिए, क्योंकि जब तक हमारी मैनिफेस्टो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन इसकी घोषणा नहीं करते मैं कुछ कह नहीं सकता। वो तो प्रेस नोट इश्यू हो चुका है पीटीआई से, देख लेना, काफी है, काफी लोग। अमित जी जैसे आपने बोला आठ स्टेट, नॉर्थ ईस्ट का आठ स्टेट और ईस्टर्न इंडिया का चार स्टेट, 12 स्टेट में एक ही स्टेट में कांग्रेस बाकी है, वो भी तृणमूल कांग्रेस, तो इसके बारे में क्या सोच रहे हैं? बंगाल में 23 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में जीतेगी और बंगाल में परिवर्तन होने जा रहा है और बंगाल की जनता आज तृणमूल कांग्रेस के और कांग्रेस के गठबंधन से त्रस्त पड़ी है। देखिए हम पहले 28 पार्टियों के साथ गए थे, आज हमारे पास 40 पार्टियां हैं, तो नई पार्टियां जुड़ी ही है, उत्तर प्रदेश में जुड़ी है, नॉर्थ ईस्ट में जुड़ी है, दक्षिण में जुड़ी है, लगभग 40 पार्टियों का गठबंधन आज एनडीए है। थैंक यू फ्रेंड्स।